नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है या आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आपके यहाँ वास्तुशास्त्र के अनुसार कई दिक्कतें आ रही है आपके यहाँ वास्तु दोष बना हुआ है तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाउंड्री वॉल कंपाउंड वॉल भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किस चीज़ का घर के अंदर वास्तु अच्छा होने का और घर के अंदर वास्तु दोष पैदा होने का आज मैं आपको कुछ खास बातें अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। हमारी जो सीरीज चल रही है प्लॉट चेन से लेकर प्लॉट शुद्धि तक प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं और आने वाले समय में और भी मेरी बहुत सारी वीडियो आ रही है मैं अपनी हर एक वीडियो में हर एक पॉइंट को बारीकी से कवर कर रहा हूँ आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझें और विचार करें जो बात मैं आप लोगों को बताता हूँ आप अपने यहाँ पर चेक करें आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो भी और आपका घर बन रहा है तो भी और आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो भी आपको ये पॉइंट जरूर नोट करना चाहिए जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं आप उस घर की चार दीवारी को चेक कीजिए आपके घर की चार दीवारी चारों दिशाओं की जो चार दीवारी है बाउंड्री वॉल है कंपाउंड वॉल है उसको चेक करेंगे तो उन दीवारों में भी आपको ऊंचाई और ऊंचाई का अंतर पता चलेगा आपके घर में चारों दीवारें बराबर है एक लेवल है तो आप पड़ोसी के घर को देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर मैक्सिमम लोग गलतियाँ करते हैं जिसके कारण वास्तु दोष बन जाता है आज मैं आपको बताना चाहूँगा वेस्ट फेसिंग प्लॉट के बारे में आपका प्लॉट वेस्ट फेसिंग है तो आपको कंपाउंड वॉल का वास्तु कैसे सही करना है ध्यान से देखिएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें कहा है कि बंसल जी बोर्ड पे आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और हमें अच्छे तरीके से समझ भी आ जाता है तो इसलिए मैं आप लोगों को बोर्ड पर सारी बातें अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूँ आपका प्लॉट वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी है तो इसमें जो हमारी चारदीवारी है इनको हम कंपाउंड वॉल भी बोलते हैं चारदीवारी भी बोलते हैं और बाउंड्री वॉल भी बोलते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके प्लॉट के अंदर चारदीवारी कैसी होनी चाहिए आपके प्लॉट का साइज बड़ा है और आप अपनी बिल्डिंग बीच में बनाने जा रहे हैं तो आपके चारों तरफ से कंपाउंड वॉल जो बनती है वो एक लेवल की होनी चाहिए साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार आपकी नॉर्थ की दीवार से और ईस्ट की दीवार से दो या तीन रद्दे एक्स्ट्रा ऊंची होनी चाहिए इस बात का आपने ध्यान रखना है ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आपका प्लॉट का साइज़ बड़ा है और आप अपनी बिल्डिंग बीच में बना रहे हैं और चारों तरफ से आप अपनी कंपाउंड वॉल बना रहे हैं तो साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार दोनों दीवारें ऊंची होंगी नॉर्थ की दीवार और ईस्ट की दीवार दोनों ही नीची होगी और एक लेवल की होगी अब मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपके प्लॉट का साइज बड़ा है और आप इसमें एक दीवार पर बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो बिल्डिंग आपको कहाँ बनानी चाहिए आपको अपने प्लॉट के हिसाब से साउथ वॉल को टच करते हुए पूरी बिल्डिंग बनानी चाहिए आपका फ्रंट का भाग भी ओपन हो जाता है और बैक साइड का भाग भी ओपन हो जाता है और नॉर्थ साइड का भाग भी ओपन हो जाता है तो ऐसे में जब आप अपनी चार दीवारी बनाएं तो वेस्ट की दीवार सबसे ऊंची होनी चाहिए नॉर्थ की दीवार और ईस्ट की दीवार दोनों एक लेवल में होनी चाहिए और जो आपके अपनी साउथ की दीवार है ये दीवार आपकी वेस्ट की दीवार के बराबर होनी ही चाहिए ज़्यादातर लोग करते क्या है कि इस दीवार को यानी साउथ की दीवार को और नॉर्थ की दीवार को नीचा कर देते हैं या इन दोनों दीवारों को ऊंचा करके फ्रंट की दीवार को हल्का सा नीचा कर देते हैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से वास्तु दोष बन जाता है और जो घर के मेल मेंबर हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत आती है और उनके काम भी नहीं बनते अब दूसरी गलती कहाँ करते हैं नॉर्थ की दीवार और ईस्ट की दीवार बराबर कर देते हैं और एक दीवार यानी जो हमारी साउथ की दीवार है साउथ ईस्ट की इस दीवार को हल्की सी नीचे रख देते हैं इसके कारण वास्तु दोष बन जाता है और जब ये दोष बनता है तो घर के अंदर रहने वाले बच्चे और महिलाएं उनका स्वास्थ्य ख़राब होता है और उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है आपने ये दीवार भी यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके बने बनी बिल्डिंग तक साउथ की दीवार वेस्ट की और साउथ वेस्ट की दीवार के बराबर करनी बराबर नहीं करते नॉर्थ की दीवार और ईस्ट की दीवार से एक रद्दा दो रद्दे ऊंचे जरूर करें ऐसा करने से आपकी बाउंड्री वॉल का कंपाउंड वॉल का वास्तु सही हो जाता है अब ऐसे ही मैं आपको तीसरा पॉइंट बताना चाहूंगा आपका प्लॉट का साइज छोटा है और आप अपनी बिल्डिंग को लेफ्ट की दीवार से राइट की दीवार तक कंप्लीट बनाना चाहते हैं ये आपने लेफ्ट की दीवार से राइट right की दीवार तक कंप्लीट आपने अपनी बिल्डिंग बनाई फ्रंट में आपने ओपन एरिया रखा और बैक साइड में ओपन एरिया रखा तो ऐसे में आपको कंपाउंड वॉल का वास्तु कैसे सही करना है जो आपकी फ्रंट की दीवार है यानी वेस्ट की जो दीवार है वो और साउथ वेस्ट की साउथ की दीवार है ये दोनों दीवारें आपकी ऊँची रहेगी नॉर्थ की दीवार नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर यह दीवार आपकी नीची रहेगी और जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ की दीवार है ये दीवार और नॉर्थ वेस्ट की दीवार दोनों इक्वल रहेगी यानी नॉर्थ की दीवार नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट तक इक्वल रहेगी यानी ये पार्ट भी और आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट भी इक्वल रहेगा ऐसे ही ईस्ट की जो दीवार है वो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट की दीवार के बराबर होगी क्योंकि वेस्ट की दीवार तो ऑलरेडी ऊंची कर दी है हमने नॉर्थ की दीवार और ईस्ट की दीवार को हम इक्वल कर देते हैं तो इसमें कोई वास्तुदोष नहीं लगता जो हमारी साउथ ईस्ट की दीवार साउथ वॉल की है इस दीवार को हम ईस्ट की दीवार से हल्का सा ऊँचा करेंगे ऐसा करने से कोई दोष नहीं बनता अब देखने में बहुत सारी जगह क्या आता है कि फ्रंट की दीवार तो हम ऊंची कर देते हैं ये साउथ की दीवार भी और नॉर्थ की दीवार को हल्का सा नीचा रख देते हैं ऐसा करने से वास्तु दोष बनता है आपके यहाँ ऐसा हो रहा है और आपके काम नहीं बन रहे घर के अंदर बेवजह का झगड़ा बना रहता है तो आप अपनी साउथ की दीवार को इस दीवार को ऊँची करें किसके बराबर वेस्ट की दीवार के बराबर ऐसे ही बैक साइड में आपकी ईस्ट की दीवार और नॉर्थ की दीवार ऊंची है और साउथ ईस्ट की दीवार नीची है तो आपने ये दीवार ऊंची करनी है किसके ईस्ट की दीवार के बराबर या साउथ वेस्ट की दीवार के बराबर एक बात का और ध्यान रखना है आपने नॉर्थ ईस्ट की दीवार और ईस्ट की दीवार दोनों तो नीचे कर दी नॉर्थ वेस्ट की दीवार और साउथ वेस्ट की दीवार और वेस्ट की दीवार ये तीनों दीवारें इक्वल लेवल में आ जाती है तो आपने साउथ ईस्ट की साउथ की दीवार नॉर्थ वेस्ट के दीवार से हल्की सी ऊंची या उसके बराबर जरूर करनी है ऐसा करने से वास्तु दोष यहां पर नहीं बनेगा यह पॉइंट हो गए हमारे बिल्डिंग की कंपाउंड वॉल के बारे में अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी अपनी फ्रंट की वॉल बनती है इसमें कहां कहां क्या, क्या क्या गलतियां करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको गलतियां बताऊंगा क्योंकि हर रोज मैं जब साइट पर जाता हूं और जब उस चीज को देखते हैं तो समझ आता है कि कहां पर क्या वास्तुदोष बना हुआ है जो हमारी फ्रंट की दीवार होती है उसको डिज़ाइन करने में दीवार मोटी पतली कर देते हैं और दीवार जब भी मोटी पतली होती है तो उसमें वास्तु दोष बन जाता है अब इसी बात में मैं आपको बताना चाहूँगा मोटी और पतली के बारे में जो साउथ की दीवार है और वेस्ट की दीवार है ये दोनों दीवारें मोटाई में ज़्यादा होनी चाहिए थिक होनी चाहिए ईस्ट की दीवार और नॉर्थ की दीवार मोटाई में पतली होनी चाहिए यानी साउथ की दीवार से और वेस्ट की दीवार से पतली होनी चाहिए जब आप फ्रंट के भाग में दीवार बनाते हैं और दीवार नौ इंच की बनाते हैं और इसमें डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं कहीं नौ इंच की दीवार बना देते हैं कहीं चार इंच की दीवार बना देते हैं इस प्रकार से आप डिज़ाइन बनाते हैं तो इसमें वास्तु दोष बन जाता है और जो वेस्ट में मजबूती मिलनी चाहिए वो मजबूती नहीं मिलती आपने यहाँ पर दीवार जो बनानी है वो नौ इंच की बनानी है और दीवार आगे पीछे अंदर बाहर की ओर नहीं करनी चाहिए कोशिश करें कि जितनी प्लेन दीवार बनाएं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इसी के साथ कई बार और गलती कहाँ करते हैं दीवार तो फ्रंट की बना ली बाकी की सारी दीवारें ऊंची हो जाती है यहाँ पर गेट के पिलर भी ऊंचे हो जाते हैं गेट का साइज़ भी बड़ा हो जाता है उसके बाद जो वेस्ट की दीवार नीची होती है उसके ऊपर ग्रिल लगा उसको दीवार के बराबर कर लेते हैं ऐसा करने में लेवल तो बराबर आ जाता है लेकिन इसमें वास्तु दोष बनता है वास्तु दोष इसलिए बनता है क्योंकि आपका फ्रंट का भाग खुला हो जाता है दीवार नीची हो जाती है ग्रिल लगने पर पार्टीशन के हिसाब से ऊंची तो हो जाती है लेकिन उसके अंदर एयर क्रॉस होती है तो वो उसकी कोई वैल्यू काउंट नहीं होती तो ऐसे में आपने करना क्या है यहाँ की दीवार यानी वेस्ट की दीवार को अपने साउथ की दीवार के बराबर ज़रूर करना है ये पॉइंट आपने खास तौर पर ध्यान रखने हैं चलिए मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपके समझने के लिए सबसे पहले तो हमारी जो साउथ साउथ की दीवार है और वेस्ट की दीवार है ये दोनों दीवारें मोटाई में थिक में ज़्यादा होनी चाहिए और हाइट में भी ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्थ की दीवार और ईस्ट की दीवार दोनों एक लेवल में होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए और हाइट में साउथ की दीवार से और वेस्ट की दीवार से नीचे होनी चाहिए इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा मेरे दिमाग में एक बात और आ गई है अभी मैं पीछे एक साइड पर गया था तो वहाँ पर मोस्टली वैसे सभी जगह ये बातें देखने को मिलती हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे व्यक्ति अपना जब घर बनाते हैं तो उसमें जो बाहर की आउटर की दीवार होती है जो बैक साइड की दीवार होती है उस दीवार पर टाइलें लगा लेते हैं यानी जो आपका बैक साइड का एरिया है वेस्ट फेसिंग प्लॉट है और उसमें आपने बैक साइड में नॉर्थ की वॉल पर भी ईस्ट की वॉल पर भी और साउथ की वॉल पर भी तीनों दीवारों पर आपने टाइलें लगवा दी तो टाइले लगवाने से होगा क्या कि आपकी दीवार जो नौ इंच की है वो लगभग ग्यारह इंच की बन जाती है क्योंकि जो टाइलें लगती है टाइलों की भी मोटाई होती है जो प्लास्टर लगता है उसकी भी अपनी एक मोटाई बन जाती है तो ऐसे में नॉर्थ की दीवार और ईस्ट की दीवार दोनों मोटाई में ज़्यादा हो जाती है वेस्ट की दीवार और साउथ की दीवार मोटाई में पतली हो जाती है टाइलें लगाने का कारण क्या होता है कि बैक साइड में वॉशिंग एरिया बना लेते हैं और जब वॉशिंग एरिया बनाते हैं तो वहाँ पर टाइल इसलिए लगवा देते हैं ताकि यहाँ पर पानी लगने के बाद सीलन ना आए तो इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है जब आप टाइलें बाईचान्स बैक साइड के एरिया में ईस्ट के एरिया में नॉर्थ की वॉल पर ईस्ट की वॉल पर और साउथ की वॉल पर टाइल लगवाते हैं तो आपको फ्रंट की दीवार वेस्ट की दीवार भी और साउथ की दीवार भी और नॉर्थ की दीवार भी आपने मोटाई में ज़्यादा करनी है कितनी ज़्यादा करनी है जितनी आपकी ईस्ट की दीवार की मोटाई बनती है नॉर्थ की दीवार की मोटाई बनती है उससे एक इंच आधा इंच ज़्यादा मोटी जरूर करनी है ऐसा करने से आपके यहाँ वास्तु दोष नहीं बनेगा मैंने आपको जो बताई है वो वेस्ट फिशिंग प्लॉट के बारे में बताया कि वेस्ट फिशिंग प्लॉट की बाउंड्री वॉल किस प्रकार से बनानी चाहिए मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ मेरे को वास्तु विजिट करते हुए 24 साल हो गए हैं और मेरा अपना जो 24 सालों का अनुभव है वो अनुभव आप लोगों के साथ साझा करता हूँ और मेरी जो ये सीरीज़ चल रही है इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बना रहा हूँ आदमी व्यक्ति घर बनाते समय कहाँ कहाँ गलती करता है उन गलतियों के बारे में मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आप अपना घर बना रहे हैं तो आपके यहाँ इस तरह की गलती ना हो मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है कि सही है और आपका घर बना हुआ है और आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे उपाय करके अपने घर को सही कर सकते हैं अपने घर की कंपाउंड वॉल को सही कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने अपना अनुभव भी लिखा है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो हमारी यह पुस्तक आप मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपके घर को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप अपने किसी भी साइट तो के, के लिए हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं आप आप मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार